Assalamu alaikum everyone, and today's topic of our lecture is Introduction to Linguistics. So as the very term shows, linguistics, it's about the study of language. Okay, so the world has about 7,601 languages. It is not only the number which tells us how important language really is, but the fact is we humans can convey meaning and write them down in symbols. Okay, अब हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ दुनिया में इतनी सारी languages जो है वो बोली जाती हैं. So, the fact is कि it is not only the number of languages के जिससे हमें language के importance का पता चलता है, but rather the use के मतलब जिसको हम spoken में भी इस्तेमाल करते हैं and along with it for conveying our meaning, for conveying our message, we also use them in written as well. So without language, we would have no conversation, no stories, no jokes and no civilization as we understand the term. अब हमारे साथ जितने भी हमारे साथ ये different genres हैं, stories हैं, jokes हैं, civilization, all these things we do convey through language. ठीक है, वो हमारे साथ written form में जो है हमारे साथ कितनी सदियों से जो है वो आ रही है कि हाँ पहले लोग इस तरह किया करते थे. अब how we come to know about all these things through language. ओके, सो पीपल टॉक मोर देन दे डू एनीथिंग एल्स. ओके, अगर हमारे साथ करने कोई कुछ और होता ही नहीं, सो वी डू हैव वन थिंग दैट वी कैन टॉक. सो दे जनरली टॉक व्हेन देयर इज़ समवन टू हियर, बट समटाइम्स व्हेन देयर इज़ नोबडी टू डू सो. अब हमारे साथ एक तो है डायलॉग, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन के आपके सामने कोई है और आप उससे बात कर रहे हो, बट अलॉन्ग विद इट अगर कोई है भी नहीं, सो वी डू टॉक विद आवर ओन सेल्व्स एज वेल. ठीक है, हम अपने साथ भी बातें करते रहे, लाइक देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट कन्वर्सेशन गोइंग ऑन in our mindset as well. So in literate society, words are also written and read, of course, and nowadays hamare sath writing mein aur reading mein jo hai language has been used tremendously. Okay, so now let's talk about linguistics. All this is language is an action. अब हमारे साथ क्या है, लैंग्वेज हर जगह पर जो है हमारे साथ एक्शन में जो है वो दिखाई दे रही होती हैं. सो ऑफकोर्स सच एन इम्पॉर्टेंट टूल इट इज़ एंड इट नीड्स आवर अटेंशन कि हम इसको डीपली जो है वो स्टडी कर लें. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड लिंग्विस्ट. अब जो लोग हमारे साथ लैंग्वेज की स्टडी में प्रोफेशनली वो इंटरेस्टेड होते हैं, दे डू स्टडी इट, दे वर्क ऑन इट, सो उनको क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं. एंड ऑन द अदर वे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स. जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को, ओके, उसके एनालिसिस करते रहते हैं, इसको उनको लिंग्विस्ट कहते हैं. जबकि ऑन द अदर वे द स्टडी ऑफ लैंग्वेज साइंटिफिक स्टडी. अब वाई साइंटिफिक स्टडी, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी हम जब भी बात करते हैं, सो इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं. द सेम इज़ स्टडी ऑफ लैंग्वेज हमारे साथ बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होती हैं, जिसमें आपने बाकायदा लॉजिक्स देने होते हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं. सो स्टडी को क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स. ओके, सो What do we study in linguistics? आप linguistics में broadly हम क्या study कर सकते हैं? There are two main categories. One is micro linguistics, while the other is macro linguistics. Is the term micro small? ठीक है, so it only deals with description of language. माइक्रो लिंग्विस्टिक क्या कहते हैं कि इसमें हम लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन करते हैं कि वहाँ लैंग्वेज किस तरह की है, ठीक है, इसमें वर्ड्स किस तरह के हैं, किस तरह से बनते हैं, इसकी मीनिंग्स किस तरह कन्वे होती हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद इट लैंग्वेज से जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हम किस तरह से बनाते हैं. जबकि ऑन द अदर वे वी डू हैव मैक्रो लिंग्विस्टिक्स. मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक है. अब इसमें हम क्या कहते हैं कि इट डील्स विद द कनेक्शन ऑफ लैंग्वेज विद अदर थिंग्स. माइक्रो में हम डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज करते हैं जो लैंग्वेज में है, जबकि मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि एक्चुअली लैंग्वेज का कनेक्शन दूसरी चीज़ों के साथ किस तरह से है. ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी, सो लैंग्वेज जो है इट्स नॉट समथिंग कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है वो रह सके, रादर दे आर सो मेनी फैक्टर्स के इस पर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं. लाइक हमारे साथ एक ही लैंग्वेज होती है, ठीक है, सो अब हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ पंजाबी. पंजाबी एक ही लैंग्वेज है, लेकिन आप इसमें देख के इस कितने सारे एक्सेंट्स हैं. डिफरेंट जगहों पर आप जाते हैं, सो वहाँ पर डिफरेंट एक्सेंट्स में डिफरेंट स्टाइल से जो है वो बोली जाती हैं. जैसे
सेम एज़ यू टेक द एग्जांपल आप पश्तो, ठीक है, आप पश्तो एक ही लैंग्वेज है, अगर आप केपीके में जाएं सो वहाँ पर क्या होता है कि इन वन एरिया एक तरह से जो है वो लोग उसको बोलते हैं, एंड मे बी एट द अदर एंड ऑफ दिस एरिया यू विल सी कि मतलब आप शायद अगर इवन आप पश्तो स्पीकर भी हो सो आपके लिए वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होगा, हालांकि एक ही लैंग्वेज है, ठीक है, वही वी डू कॉल इट पश्तो। अब अफगानी पश्तो अगर आप देखें सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्पोकन इन पाकिस्तान, ठीक है। सो वाई आर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज लैंग्वेज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, रादर दे आर सो मैनी फैक्टर्स के इस पर असरअंदाज होते हैं। सो इसमें फर्स्ट हमारे साथ साइकोलिंग्विस्टिक्स आ जाते हैं, सेकंड हमारे साथ सोशो लिंग्विस्टिक्स है, सोशो मीन के लैंग्वेज और सोसाइटी का जो कनेक्शन है, साइको मीन्स के हाउ द चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेज और उसके जो डिफरेंट स्टेजेस है उसमें हम वो पढ़ते हैं, अलॉन्ग विद हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के लैंग्वेज का हिस्ट्री के साथ किस क्या कनेक्शन है, किस तरह से जो है डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो इमर्ज हो गई, एंड लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ में क्या होता है कि एक्चुअली आप किसी भी कंट्री में जाए सो वहाँ पर एक प्रॉपर पॉलिसी होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप देख के आल दो हमारे साथ नेशनल लैंग्वेज इज़ अवर उर्दू लैंग्वेज, जबकि हमारे साथ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सो व्हाई आर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बाकायदा पॉलिसीज इसके लिए और प्लानिंग जो है वो की गई होती है। सो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट एंड डिटेल अबाउट द माइक्रो लैंग्विस्टिक्स, के माइक्रो लैंग्विस्टिक्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज़ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ साउंड्स, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इज कार्बोनेटिक्स। फोनोलॉजी में क्या होता है कि इसमें हम साउंड्स को स्टडी करते हैं कि साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, हमारे कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कि हम जिससे हमारे साथ डिफरेंट साउंड्स जो है वो हम निकाल लेते हैं। सो इसको हम फोनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, फोनेटिक्स। जबकि द स्टडी ऑफ हाउ दीज साउंड्स आर अरेंज्ड इन अ लैंग्वेज, द साउंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। फोनेटिक्स में हम साउंड्स को स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम उसको अटर करते हैं, हाउ वी प्रोड्यूस इट, किस तरह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको फोनेटिक्स कहते हैं। जबकि फोनोलॉजी क्या है कि किस तरह से हम उस ईच इंडिविजुअल साउंड को अरेंज करते हैं और उस लैंग्वेज में जो है उस लैंग्वेज का बाकायदा एक प्रॉपर साउंड सिस्टम जो है वो सॉरी पैटर्न जो है वो हमारे साथ तैयार हो जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड फोनोलॉजी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई से लाइक अ, ठीक है, अब अ हमारे साथ क्या है आप देखिए, ओवर हियर हमारे साथ कौन से ऑर्गन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, कहाँ से ये साउंड जो है वो इमर्ज होता है अ का साउंड, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड फोनेटिक्स। लेकिन अगर हम जो है इसी अ का साउंड को देखें कि किस तरह से हमने इसको अपने लैंग्वेज में यूज़ किया डिफरेंट साउंड पैटर्न्स को बनाने के लिए, सो फिर हम उसको फोनोलॉजी कहते हैं। सो द सेकेंड कैटेगरी इन माइक्रो लिंग्विस्टिक्स हियर कम मॉर्फोलॉजी। The sounds combine to make small units of meaning which are called morphemes. ठीक है, अब हमारे साथ वही sounds combine होते हैं जो हमारे साथ meaningful units जो है वो बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, morphemes. Morpheme is actually हमारे साथ जो individual word होता है, ठीक है, फिर हमारे साथ क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, इश, अब हमारे साथ इसमें हमारे साथ आई एस एच जो है इसके इससे पहले जो है हमारे साथ हाइफन का सिंबल होना चाहिए, बिकॉज इट्स इट्स अ बाउंड मॉर्फीम, मींस कि ये इंडिपेंडेंटली हमें मीनिंग नहीं देता, लेकिन फॉर एग्जांपल लेकिन हम इसको जो है दूसरे अल्फाज के साथ कंबाइन करते हैं जिससे फिर हमें ये कम्प्लीट मीनिंग दे देता है। सो दे जनरली एक्सप्रेस मीनिंग ऑन दियर ओन और कम्बिनेशन विद अदर मॉर्फीम्स। अब ये मॉर्फीम्स जो हमारे साथ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मीनिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, अब ये क्या करते हैं कि ये तो यहाँ ख़ुद इंडिपेंडेंटली हमें मीनिंग दे सकते हैं, लाइक जिस तरह बॉय, गर्ल, ठीक है, लेकिन अब आई एस एच जो है हमारे साथ इश का जो साउंड देता है, इससे पहले हाइफन का सिंबल शुड भी दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि दीज आर द यूनिट ऑफ मीनिंग, कि ये इंडिपेंडेंटली मीनिंग नहीं देता बल्कि इट कम्बाइन विद अदर मॉर्फीम्स की जिससे ये फिर हमें कम्प्लीट मीनिंग दे देता है। सो द मॉर्फीम्स जो इंडिपेंडेंटली हमें मीनिंग दे सकते हैं उसको हम फ्री मॉर्फीम्स कहते हैं, जबकि ऑन द अदर वे दोज हु कैन नॉट गिव इंडिपेंडेंट मीनिंग, जबकि इट हैज़ टू कम्बाइन विद अदर मॉर्फीम, स्पेशली फ्री मॉर्फीम्स के साथ बाउंड मॉर्फीम कम्बाइन होते हैं तभी ये जाकर हमें कम्प्लीट मीनिंग दे देता है। सो दैट इज़ कॉल्ड बाउंड मॉर्फीम। सो द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर मेड, शेप्स ऑफ द वर्ड आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं कि वी डू स्टडी के वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है, जिससे ये हमें कम्प्लीट मीनिंग देते हैं, सो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सो दिस हियर कम द थर्ड कैटेगरी ऑफ माइक्रो लैंग्विस्टिक्स, दैट इज सिंटैक्स।
When words combine together in sentences, they do so according to certain rules. अब हमारे साथ जब words sounds आ गए, sounds combine होकर हमारे साथ words बन गए, and then here comes कि हम इसको इन words को किस तरह से different context में use कर सकते हैं. We do use it combinedly, एक proper order में हम इसको use करते हैं जिससे हमें complete sentence दे देता है. अब ये sentence हम किस तरह से बनाते हैं, of course it is based on some rules and regulations, ठीक है. So those rules are called the rules of syntax. Syntax means जो हम जितनी हम ग्रामर पढ़ते हैं कि हमने सेंटेंस किस तरह बनानी है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेंसेस, ऑल दीज थिंग्स, ये हमारे साथ क्या है, सेंटेंस के रूल्स हैं, ठीक है. इफ़ यू वांट टू नो हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ लैंग्वेज, वी स्टडी इट्स सेंटेंस. हम जब ये चाहते हैं कि हमें पता लग जाए कि हमने इस लैंग्वेज में ये सेंटेंस किस तरह बनानी है, सो जब हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी कहते हैं. सो दैट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ सेंटेंस. And then here come the last category of microlinguistics, that is semantics. So now that we have got our sentences, we should know what they mean. ठीक है, semantics में हम क्या करते हैं कि जब हमारे साथ sentence बन गई, so we should know कि इसकी meaning क्या है. जब हम उसकी meaning को पढ़ते हैं, ठीक है, the study of meaning is called semantics. So now let's talk about structuralism a little bit. The linguist Leonard Bloomfield, 1887 till 1949, called these levels the structure of language. जो हमने जो four levels पढ़ लिए, like starting from that of ठीक है, phonology, then here comes morphology, then comes syntax, and at the end we do have semantics. ठीक है, जब ये four levels हम पढ़ते हैं, so it is actually he called the structure of language, because and it we do in detail study. हमारे साथ actually language है क्या, और उसमें हम हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं, description of language हम करते हैं. So he recommends starting from phonetics and going on to phonology, morphology, syntax and semantics. This kind of study tell us a lot about the structure of a language. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि we do come to know about through these tools, कि जो हमारे साथ four levels हैं, we do realize कि actually language का structure है क्या. Such an approach to language, seeing it as a structure, is called structuralism. Structuralism कहते हैं क्या, क्या होता है कि जब actually when you see the language as a structure, कि हाँ हमारे साथ language क्या है, it is a structure. आपका approach कौन सा होता है, structuralism का होता है. So structuralism is actually when you approach language एज ए स्ट्रक्चर, के हाँ हमारे साथ लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम उस स्ट्रक्चर को हम डीपली स्टडी कर सकते हैं. सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म. सो हियर कम्स द कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर, कि हमारे साथ एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स के है क्या, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड द पर्सन हु स्टडीज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट. ठीक है, अब हमारे साथ फर्दर इसमें हमारे साथ टू कैटेगरीज आ जाते हैं, माइक्रो लैंग्विस्टिक्स एंड मैक्रो लैंग्विस्टिक्स. माइक्रो लैंग्विस्टिक्स में हम डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज करते हैं, एंड मैक्रो लैंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज के रिलेशन को स्टडी करते हैं अलॉन्ग विद अदर थिंग. लेकिन रिमेंबर दिस, के हमारे साथ प्रायोरिटी कौन सी चीज़ होती है, लैंग्वेज होती है, कि लैंग्वेज का सोसाइटी के साथ, एज के साथ, ऑल दिस फैक्टर्स के साथ क्या क्या रिलेशन है, किस कंट्री में किस तरह से बोली जाती है, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं. सो ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो लैंग्विस्टिक्स, जबकि माइक्रो लैंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. थैंक यू, कीप ग्रोइंग एंड शाइनिंग.